सो गाइस, पूजा में क्या क्या हुआ और मतलब वहाँ पर मंदिर में कैसा कैसा होता है, उससे पहले की स्टोरी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो मंदिर कैसे बना और क्या क्या हुआ वहाँ पर। हेलो, हमें भैया बताएंगे, तो भैया हमें पूरी की पूरी बात बताएंगे। तो ये मेरे भैया हैं। हेलो, हैंडसम भैया मेरे। तो ये हमें बताएंगे मंदिर के बारे में कि कैसे वहाँ पर मंदिर बना और मतलब क्या क्या उसकी मान्यताएं हैं, है ना। तो अभी भैया बताएंगे। नमस्कार, जैसे कि हम देख रहे हैं ये हमारा गांव ग्राम टांडियों, ये पौड़ी गढ़वाल की नैनी डांडा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यहाँ पर घिल्याल वंश के लोग लगभग आज से 500 वर्ष पहले जो हमारे पूर्वज थे वो आए थे, और तब से लेकर के यहाँ पर हमारे गांव में हमारे इष्ट देवता श्री गुरु गोरखनाथ जी की पूजा की जाती है। साथ में हमारी भूम्या भगवान नरसिंह और कालिंका देवी की पूजा की जाती है। तो इसमें समस्त गांव के लोग और दूर दराज से अन्य गांव के घिल्याल वंश के लोग और आसपास के अन्य गांव के लोग भी सम्मिलित होते हैं। तो जिसमें आप देखेंगे कि इसमें लगभग 1 क्विंटल आटे का एक रोटी बनाई जाती है, तो उसको बनाने का भी बहुत बड़ा विधान है और बड़ी मान्यता है उसकी। लगभग 1 वर्ष तक वो रोट खराब नहीं होता, उस परमात्मा की ऐसी कृपा है। तो इसमें जो है गोरखनाथ जी का वर्णन आता है कि गोरखनाथ जी ये मच्छेंद्रनाथ जी के शिष्य थे। एक बार की बात, मच्छेंद्रनाथ जी कहते हैं भिक्षा के लिए गए, तो रास्ते में देखा कि एक ब्राह्मणी कोई बहुत गरीब उनका घर पड़ता था, तो उनके दरवाजे पर अलख निरंजन की आवाज़ लगाई। उन्होंने भिक्षा दी तो दुखी हो रखी थी, पूछा मैया क्यों दुखी हो? कहा मेरे घर में सब कुछ है, धन भी है, दौलत भी है, गरीब तो हूँ मैं, लेकिन खाने पीने के लिए फिर भी है मेरे पास में, लेकिन मेरे घर में संतान नहीं है। तो मच्छेंद्रनाथ जी ने कहा कि हे देवी, मैं तुम्हें एक बभूत देता हूँ, इसको तुम यदि खा लेते हो तो तुम्हारे घर में संतान हो जाएगी। तो उन्होंने वो बभूत ले ली, लेकिन कुछ आस पड़ोस की महिलाओं ने बाद में जो है उनको कहा कि तुम ये बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, बभूत जो है मत खाओ, इसको फेंक दो। उन्होंने गोबर के गड्ढे में उस बभूत को फेंक दिया। तो मच्छेंद्रनाथ जी जब गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं 12 वर्ष बाद तुम्हारे घर में फिर आऊँगा और फिर जो है पता करूँगा कि ये बालक कितना बड़ा हो गया है। तो 12 वर्ष बाद मच्छेंद्रनाथ जी वहाँ पर आए, उस देवी को आवाज़ लगाई कि हे देवी, वो बालक कहाँ है? तो देवी की आंखों में आंसू आ गए, कहा मैंने तो जो है वो जो बभूत दी थी आपको गोबर के गड्ढे में डाल दी। कहा कहाँ पे ले गए? वहाँ पे ले गए तो उन्होंने अलख निरंजन की आवाज़ लगाई, जल का छीटा मारा मंत्र करके, तो उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम गोरखनाथ पड़ा। और तब से लेकर के भगवान गोरखनाथ जी की पूजा अर्चना, वो जो है साक्षात शिव का ही स्वरूप माने गए। तो हमारे गांव में भी हमारे घिल्याल वंश के कुल देवता के रूप में, हमारे घिल्याल वंश में कुल देवता के रूप में उनकी पूजा प्रतिष्ठा की जाती है। और ये हर वर्ष जून के महीने में पहले सप्ताह यानी इतवार को जो है भगवान की पूजा की जाती है। तो इसमें कई प्रकार के भोग बनाए जाते हैं भगवान के लिए। पहले भगवान का भोग लगाया जाता है, नरसिंह भगवान की पूजा की जाती है, और सभी गांव के लोगों से पहले जो है लगभग 2.5 किलो आटा, घी, चावल और अन्य सामग्री इकट्ठी की जाती है, और गुड़ आदि इकट्ठा किया जाता है, और फिर उसमें जो है भगवान का रूट बनाया जाता है, और फिर सब लोग सम्मिलित होते हैं उस पूजा आरती में, और उसके बाद उस प्रसाद का वितरण किया जाता है। ये हमारे गांव में लगभग पिछले 500 वर्षों से, ये जब से हमारे पूर्वज आए थे तब से यह जो है किया जाता है। धन्यवाद। तो गाइस, आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे जो गुरु गोरखनाथ जी हैं तो उसके पीछे की क्या क्या स्टोरी है और क्या मान्यताएं हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तब तक ले, बाय।